हाँ तो बच्चों, मैं आज आपको BCC ऐप के बारे में बता देता हूँ। जब आपने स्टोर से BCC ऐप इंस्टॉल कर लिया है और आप लॉगिन कर चुके हो, तो जैसे ही आप ऐप खोलते हो तो देखिए होम पेज बॉटम पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखिएगा होम पेज। ठीक है, होम पेज पर इस वक्त हैं आप। ठीक, तो होम पेज में देखिए ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है। ऊपर ऊपर तीन तीन टैब दिख रहे हैं आपको आपको जैसे आप फर्स्ट में चैट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से, कोई भी क्वेश्चन टीचर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ डाला जा सकता है। सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा, कोई मतलब ऐप को आपको रेफ़र करना है किसी फ्रेंड्स वगैरह को, शेयर करना है, वो आप कर सकते हो सेकंड टैब में। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, सभी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड में आप अपना प्रोफाइल, मतलब यहाँ भी आपका नाम और मोबाइल दो ही चीज़ें डली हुई हैं इसमें, तो बाकी अपना प्रोफाइल थर्ड टैब पर जाकर आप क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सेकेंड टैब पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्री फ्री स्टडी मटेरियल लिखा है इसमें जनरल, मतलब आप किसी बैच में हैं या नहीं, अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया है तो यहाँ जो भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने जनरल रखा हुआ है सबके लिए वो स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप किसी बैच में हैं तो नीचे तीसरा टैब आपका उस वो बैच की कब कब क्लास आ रही है, किस किस टाइम पर क्लास है, वो सब सारा शेड्यूल उसमें चल रहा होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो भी बैचेस की टाइमिंग है वो सब उसमें आ रही होगी। ठीक है, सबसे नीचे आपको अपना स्टेटिस्टिक मिल जाता है कि जो जो इसमें टेस्ट हैं वो कितने टेस्ट जो इसमें टेस्ट हैं वो कितने टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, असाइनमेंट कितने सबमिट किए हैं। ठीक है, ये कोर्स परचेज का भी आपसे रिलेटेड कोई मैटर है नहीं इस ऐप में अभी, क्योंकि अभी हमने कोई कोर्स बना के नहीं डाला है, अभी तो आप लाइव क्लासेस हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास अटेंडेंट भी हम अटेंडेड भी इसमें ऐप में हम ऐप से लाइव क्लास नहीं ले रहे, इसलिए ये भी आपके मतलब की चीज़ अभी तो नहीं है। ठीक है जी, ऊपर ऊपर अब आप देखिएगा टॉप टॉप पर लेफ्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जो तीन लाइनें आप इसे क्लिक करते हो तो फिर वही जो बाहर आपको टैब दिख रहे थे लगभग लगभग वही यहाँ दिख जाते हैं आपको स्टडी मटेरियल। ये इन जनरल सबके लिए फ्री स्टडी मटेरियल है। एडिट प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। पेमेंट आपको ऐप से करनी नहीं है अभी, अपनी फ़ीस जैसे आप पहले पे करते थे वैसे करोगे। ठीक है, सेटिंग में वो जनरल बातें आप जाके देख लीजिएगा। हाउ टू यूज़ ऐप में बेसिक क्वेश्चंस ऐप से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको ऐप यूज़ करने में आसानी होगी। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको मेन बात आप बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नीचे, आप नीचे बिल्कुल बॉटम पे देखिए, होम के बाद सेकंड टैब आपको बैचेस का दिख रहा है। जैसे ही आप इस बैचेस के बैच को देखो, होम से मैं जैसे ही बैचेस के बैच टैब को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो भी मैंने जिस भी बैच को ज्वाइन किया हुआ है BCC में वो बैचेस खुल जाते हैं। जैसे कि जिस स्टूडेंट के मोबाइल से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, उसने संजय भैया का बैच ज्वाइन किया हुआ है इकोनॉमिक्स का और मेरा 12th मैथमेटिक्स का बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके दोनों बैच उसको दिख रहे हैं। ठीक है भैया, अब उसको एक पर्टिकुलर बैच में जाके उसके सारे फीचर मिलेंगे। मान लो वो मैथमेटिक्स के बैच में आप क्लिक एंटर कर गए, देखो मैंने वो मैथमेटिक्स का बैच क्लिक कर दिया था, उससे मैं एंटर कर गया, तो ओवरव्यू में सबसे पहले आपको उसमें क्लास क्लास अपनी क्लास दिख रही है, कितने सब्जेक्ट कितने टेस्ट अवेलेबल हैं इसमें वो दिख रहा है। ठीक है जी, आपके बैच की टाइमिंग दिख रही है और कोई जनरल कोई अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने की है तो वो नीचे देखो न्यू बैच डिटेल आप देख रहे होंगे, एक जनरल नोटिस बोर्ड समझ लो यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट कोई भी अनाउंसमेंट करेगा तो वो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है जी, खैर ओवरव्यू से आगे चलते हैं अटेंडेंस पे। ठीक है, जो यहाँ जो भी अटेंडेंस ली जाएगी वो आप अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट एबसेंटेज यहाँ आकर देख सकते हैं। तो अब देखो सारे जो आपके काम के टैब है ना वो आपके बैच में जाकर उसमें टॉप पर है। ये देखिए नंबर तीन असाइनमेंट है। ठीक है जी, कोई असाइनमेंट आपको मिला हुआ है तो वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, अभी कुछ मिला नहीं हुआ है तो यहाँ कुछ है नहीं अभी। ठीक है, नंबर चार अनाउंसमेंट है कि इंस्टीट्यूट ने वही जो शुरू में दिख रहा था आपको, कोई अनाउंसमेंट की हुई है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर दिखेंगी आपको। नेक्स्ट टेस्ट, यहाँ देखो ये अब आपकी पहली काम की चीज़ आ गई, ये सारे MCQ टेस्ट हैं। ये MCQ टेस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप किसी भी टेस्ट पर क्लिक करके अटेम्प्ट करो उसे आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहना। तो मैं वापस ऊपर अपना टेस्ट तक तो देखो पहुंच गया था। फिर वीडियोस, अगला जो बहुत ज़रूरी चीज़ आपके लिए आपके काम की जो चीज़ है वो वीडियोस है, कि जितने भी चैप्टर यहाँ हो गए हैं वो सारे आपको लगभग लगभग यहाँ टाइमली मिल जाएंगे। अभी अभी तो हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे कि आपने कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी 12th का कोई चैप्टर है उसकी एक वीडियो हमने सारी डालनी है, तो बच्चा उसको क्लिक कर देता है तो देखो ये सारा वीडियो में पहुँच जाता है वो। ठीक है, वीड्स मोबाइल में थोड़ा सा एक ऐप है जो मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मांग रहा है। हाँ, वो अभी आप इसमें ऐसे समझ लो, जब आप क्लिक कर दोगे आपके मोबाइल में प्ले हो जाएगा वो, लेकिन उसका उसका ओरिएंटेशन जो मोबाइल है उसको लैंडस्केप लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट, ठीक है, तिरछा कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आपको बिल्कुल सही नज़र आएंगी, सही दिखेंगी।
फिर इसके बाद लाइव क्लासेस देखिए, वैसे तो हम लाइव क्लास जूम पर ही ले रहे हैं और वहीं लेंगे, लेकिन अगर कभी कभी टीचर को लाइव क्लासेस लेनी हुई ऐप के थ्रू तो वो यहाँ से भी ले सकता है। तो यहाँ जाकर आप अपनी लाइव क्लास जो भी टाइम आपको बताए अगर कोई भैया सर, ठीक है, तो यहाँ आकर आप अटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा ऐप आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें स्टूडेंट पोर्टल आपको दिखाया है, ठीक है। बैचेस हो गया, देखिए स्टोर में इन फ्यूचर अगर हम कोई कोई कोर्स बनाते हैं, जैसे ट्वेल्थ की पूरी पूरी सारी वीडियो डाल दी, तो वो यहाँ पर विजिबल होंगी आपको, ट्वेल्थ की, टेंथ की, सभी क्लासेस की। तो अभी ऐसा हमने कोई पैकेज नहीं बनाया, हम तो आपको लाइव ही पढ़ा रहे हैं ना भैया, ठीक। चैट्स में आप यहाँ मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपनी तरफ से कोई बातें कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मैसेज आए तो वहाँ यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है भैया। हाँ, प्रोफाइल ही आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू, ओके, गुड बाय।